गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। चैप्टर फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और आज का सब टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। इज एंड आर प्रबंध एक कला है। प्रबंध एक कला है। कला दो चीज है, एक तो प्रबंध है और दूसरी कला है। दो शब्द है, प्रबंध और कला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कला को, कला क्या है, उसके बाद जानेंगे कि मैनेजमेंट जो है उसको कला क्यों कहा गया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले कला की ओर कि कला का मतलब क्या है, कला किसे कहते हैं। तो देखिए, आर्ट इज सिस्टमैटिक, आर्ट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है? आर्ट एक सिस्टमैटिक बॉडी है। आर्ट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है? आर्ट इज बेस्ड ऑन, आर्ट इज बेस्ड ऑन स्किल। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। आर्ट क्या है? आर्ट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट इज बेस्ड ऑन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। आर्ट इज प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। आर्ट मीन्स अचीविंग टारगेट्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्ट क्या है। तो आर्ट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट इज बेस्ड ऑन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। बिहेवियर आर्ट मीन्स अचीविंग टारगेट्स विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। आर्ट इज ए बेस्ट मेथड आर्ट मीन्स अ बेस्ट मेथड टू अचीविंग टारगेट। गोल्स आर्ट क्या है? तो हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्ट अ बेस्ट मेथड टू अचीविंग टारगेट और गोल्स। सिस्टमेटिक बॉडी है, स्किल्स पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, प्रैक्टिस बिहेवियर पे बेस्ड है। आर्ट का मतलब है हमें टारगेट अचीव करना है, बट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। और आर्ट में किसी भी काम को करने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो सर्वोत्तम तरीका जो है, वो सबसे अच्छे तरीके को हम आर्ट से करें। तो ये हमने आर्ट्स के बारे में बात की बच्चों। अब बात आती है कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया? तो देखिए, ऑल ऑफ द फीचर्स और ऑफ द फीचर्स ऑफ, और ऑफ द फीचर्स ऑफ आर्ट्स
आर इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ आर्ट्स आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट. इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट्स की तरह मैनेजमेंट में क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. दूसरी बात, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. It's also based on practice, skills, creativeness, behavior. ये प्रबंध की विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि प्रबंध जो है ये कला की भांति प्रैक्टिस स्किल्स बिहेवियर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. नेक्स्ट, प्रबंध जो है कला की भांति प्रैक्टिस पर टिकी हुई है, स्किल्स पर टिकी हुई है, क्रिएटिवनेस पर टिकी हुई है, बिहेवियर पार्ट्स है और इफेक्टिव एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंटनेस पर टिकी हुई है. इसलिए प्रबंध को कला कहा गया है. और मैनेजमेंट इज ऑल्सो टारगेट्स. मैनेजमेंट इज ऑल्सो फाइंड बेस्ट वे टू अचीविंग टारगेट्स. प्रबंध में भी कला की भांति काम करने का सबसे अच्छा तरीका, सर्वोत्तम तरीका फाइंड आउट किया जाता है. इसलिए प्रबंध को कला कहा गया है. मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजमेंट इज आर्ट्स. ओके बच्चों, कल लेके हाजिर होंगे एक नया टॉपिक. तब तक के लिए नमस्कार.